माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं इस वीडियो में समझते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट को कोई भी ओपन ना कर सके। जब भी उस फाइल को ओपन करे तो सबसे पहले पासवर्ड मांगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से फाइल मेनू में जाना है और यहाँ से सेव, नॉर्मली जैसे किसी डॉक्यूमेंट को आप सेव करते हैं वो प्रोसेस। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ब्राउज पर जाते हैं और सेव करने के लिए ना हम डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पर रखते हैं। और यहाँ से जो भी नाम देना है आप यहाँ पर नाम दीजिए, मान लीजिए हम कंप्यूटर नाम से सेव करना चाह रहे हैं। और यहाँ से ध्यान रखिएगा आपको टूल्स में जाना है, जनरल ऑप्शंस, एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको पासवर्ड आपको डाल देना है, जो भी पासवर्ड आप लगाना चाह रहे हैं। और इसके बाद ओके करेंगे, फिर से कंफर्म पासवर्ड आएगा, कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड आपको लगाना है जो आप पहले लगा चुके हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से ओके, और इसके बाद सेव करना है। और अब देखें, अब क्या देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट आपका था ये जो सेव हुआ, अब कभी भी इसको ओपन करेंगे तो पहले क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे सबसे पहले क्या मांग रहा है, पासवर्ड। पासवर्ड पता है तो ओपन होगा, पासवर्ड अगर नहीं पता तो ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा।